नमस्कार दोस्तों, अतरंगी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक आम भारतीय भारत के सभी हिस्सों में आसानी से घूम सकता है, लेकिन भारत में ऐसी कई सारी जगह है जहां पर किसी भी नागरिक के लिए जाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं भारत की 6 ऐसी जगह के बारे में जहां पर जाना बहुत ही खतरनाक करार दिया गया है। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है भारत और चाइना के बीच एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा अक्साई चीन। दोस्तों, किसी एक जमाने में यह भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में चाइना ने इससे को भारत से हथिया लिया। यह जगह इतना खूबसूरत है किसी भी इंसान इसकी खूबसूरती देखकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पर काफी ठंड पड़ने के कारण और बहुत ही ज्यादा मिलिट्री पेट्रोलियम के कारण एक आम टूरिस्ट को यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है अंडमान निकोबार में स्थित नॉर्थ शेटलैंड आइलैंड। दोस्तों, इस आइलैंड में एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति के लोग रहते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने एक आम नागरिक को यहाँ पर जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ पर रहने वाले जाडवा संप्रदाय के लोगों का फोटो लेना एकदम से अलाउ नहीं किया जाता, और एक बात काफी प्रचलन है, यहाँ पर अकेले जो भी जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है भारत के सिक्किम में स्थित सुलागु लेक। दोस्तों, सुलागु लेक भारत के सबसे खूबसूरत जगह में से माना गया है, लेकिन किसी भी आम टूरिस्ट को यहाँ पर जाना सिर्फ एक ख्वाहिश है। सिक्किम का ये हिस्सा आई मिलिट्री जोन होने की वजह से आर्मी को छोड़कर दूसरे नागरिकों का यहाँ पर जाना अलाउ नहीं किया जाता। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है अंडमान निकोबार में स्थित बैरन आइलैंड। दोस्तों, अंडमान निकोबार का ये हिस्सा एक बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है, और यहाँ की चोटियों से जब तपता ज्वाला निकलता है तब इसके रास्ते में आने वाली हर वो चीज को जलाकर राख कर देता है। यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा कोई भी नागरिक को या टूरिस्ट को यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है निकोबार आइलैंड। दोस्तों, निकोबार आइलैंड में काफी सारी खतरनाक जनजाति रहने की वजह से यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट को जाने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा भी यहाँ पर जाने का साहस बहुत ही कम लोग दिखा पाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद किसी भी टूरिस्ट के लिए यहाँ पर रहने वाले लोगों के कामों में दखलंदाजी करना एकदम से मना है। दोस्तों, नंबर 6 पर आता है मध्य प्रदेश में स्थित चंबल नदी का आसपास वाला इलाका। दोस्तों, इस इलाके में काफी सारे डाकू होने की वजह से कोई भी बाहरी टूरिस्ट को यहाँ पर जाने की अनुमति बहुत ही कम दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।